सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल ग्रो विद अस। तो टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट ट्रिपल टॉप पैटर्न। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट डबल टॉप पैटर्न एंड डबल बॉटम पैटर्न। सो गाइज लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न के बारे में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ट्रिपल टॉप पैटर्न होता क्या है, कैसे कैसे बनता है, कैसे आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आ चुके हैं हम ट्रिपल टॉप पैटर्न के। लाइंस जैसे जैसे ड्रॉ होती हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको चार्ट पे लेके चलूंगा, वहाँ पे भी आपको समझाऊंगा कि कैसे ये लाइन क्रिएट होती हैं, कैसे हम अपने यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जब हमारा चार्ट अप होने के बाद में एक रेंज बाउंड में आने लगता है, तो आइए समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ से मार्केट अप जा रही थी, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से मार्केट अप जा रही थी, ये देखो, ठीक है। यहाँ से मार्केट अप जाने के बाद में इसने एक स्विंग बॉटम बनाया। उसके बाद जितना मार्केट अप गई थी उतना दोबारे से एक टॉप बनाया, फिर मार्केट डाउन आई उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट था, उसी प्राइस एक्शन पे ये वाली मार्केट डाउन आई, फिर मार्केट अप गई, ठीक है। मार्केट अप जाने के बाद जब मार्केट अप चली गई तो उसने एक और टॉप क्रिएट किया, सेम टॉप वन और टॉप टू के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जब डाउन जाने के बाद में ये मार्केट उसी पॉइंट पे क्रिएट होती है जिस पॉइंट पे ये वाले दोनों लो हमारे बने हुए हैं, उसी पॉइंट पे ये वाली हमारी पॉइंट यानी मार्केट इतना डाउन जाती है अगर, तो हमारी जो ट्रिपल टॉप वो कन्फर्मेशन होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रिपल टॉप कन्फर्मेशन, ठीक है गाइस। तो बात करें इस नेक लाइन की, नेक लाइन हम कैसे खींच सकते हैं, तो ये जो हमारा ये वाला बॉटम है और ये वाला बॉटम है, अगर ये सेम प्राइस एक्शन पे है तो इसे यहाँ से एक हम नेक लाइन खींच सकते हैं आगे तक। जब इस नेक लाइन को आके ये ट्रिपल टॉप के बाद डाउन मार्केट इसे टच करती है तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप कन्फर्मेशन हो जाता है और उसके बाद जो मार्केट है वो हमारी डाउन जानी चालू हो जाती है और यहाँ पे आप एक अच्छी खासी सेलिंग ले सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे ट्रिपल टॉप कन्फर्मेशन हुआ है, ठीक है। बात करें इसके कि जो चार्ट है वो कितना डाउन जा सकता है, तो गाइस जितनी हमारी इस टॉप से लेके यहाँ तक नेक लाइन तक जितनी हमारी रेंज है प्राइस एक्शन की, उतना ही चार्ट हमारा डाउन जा सकता है। ये हमारा टारगेट पीरियड हो सकता है कि जितना ये अप है उतना ही मार्केट डाउन जाए, तो डाउन पे आप एक टारगेट सेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं कैसे हम यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आ चुके हैं हम ट्रिपल टॉप पैटर्न के चार्ट के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब एक अप मार्केट में अप ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड आने के बाद में मार्केट एक टॉप क्रिएट करती है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो मार्केट एक क्या करती है, टॉप क्रिएट करती है। टॉप क्रिएट करने के बाद में फिर से एक पॉइंट पर डाउन आती है, फिर से सेम लेवल पे एक और टॉप क्रिएट करती है, फिर से मार्केट डाउन आती है, ठीक है, फिर एक और थर्ड टॉप क्रिएट करती है। जब ये थर्ड टॉप सेम लेवल पे क्रिएट हो जाते हैं, फिर हम जो शुरू के दो टॉप हैं ये वाला और ये वाला, इनसे मिलाते हुए एक नेक लाइन खींचते हैं। जब थर्ड टॉप के बाद में प्राइस डाउन जाता है, उसके डाउन जाने के बाद अगर नेक लाइन को प्राइस तोड़ के नीचे चला जाता है तो हमारी मार्केट डाउन जानी स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेंड बन चुका है। बात करें इससे पहले की, तो यहाँ पे अप ट्रेंड होता है, तो ट्रिपल टॉप हमारा एक कह सकते हैं कि एक हमारा रिवर्सल पैटर्न है, यानी एक डाउन ट्रेंड पैटर्न है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये अपडेट, सॉरी कैसी लगी आपको ये जानकारी, और आपने अगर इसमें कुछ सीखा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर जो होता है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। तो गाइस चलिए बात करते हैं ट्रिपल बॉटम पैटर्न के ऊपर। तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न क्या होता है, ट्रिपल बॉटम पैटर्न, या हमें समझ में आ रहा होगा बॉटम यानी ट्रिपल, ट्रिपल से मतलब तीन, बॉटम से मतलब नीचे वाले हिस्से में, पैटर्न मतलब ऐसा कोई पैटर्न बने हुए जिसके तीन बॉटम क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह एक डाउन ट्रेंड आने के बाद में बनने वाला अप ट्रेंड है। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है यानी डाउन ट्रेंड में जाती है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है यानी जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक डाउन गई, ठीक है, जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक डाउन जाती है, ठीक है, फिर एक बॉटम क्रिएट करती है, उसके बाद फिर अप ट्रेंड में जाती है। अप ट्रेंड में जाने के बाद में
एक स्विंग हाई बनाती है, स्विंग हाई बनाने के बाद में फिर एक बॉटम क्रिएट करती है सेम प्राइस पे, ठीक है। फिर मार्केट अप जाती है, अप जाने के बाद में फिर एक डाउन बनाती है। तो ये वाला डाउन और ये वाला डाउन, ये तीनों डाउन सेम प्राइस एक्शन पे होने चाहिए। तो और ये जो हम इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से एक नेक लाइन खींचते हैं, जब इस नेक लाइन को तोड़ के, ये वाली जो नेक लाइन है, जब इस नेक लाइन को तोड़ के प्राइस ऊपर जाता है, तो हमारा ट्रिपल बॉटम कन्फर्मेशन हो जाता है। ट्रिपल बॉटम कन्फर्मेशन होने के बाद में मार्केट अप जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, इसे समझते हैं। आ चुके हैं हम ट्रिपल बॉटम चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड आने के बाद में, यहाँ से यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद मार्केट ने एक बॉटम क्रिएट किया। बॉटम क्रिएट करने के बाद में मार्केट दोबारा से उठी, दोबारा से उठने के बाद में फिर एक डाउन उसने क्रिएट किया, फिर मार्केट फिर से दोबारा उठी, फिर उसने फिर एक और बॉटम क्रिएट किया। तो जब वो सेम प्राइस एक्शन पे तीन बॉटम क्रिएट करती है, उसके बाद अगर हम इस वाले हाई से और इस वाले हाई को मिला के एक नेक लाइन खींचते हैं, तो अगर उस नेक लाइन को पार करके, हमारा प्राइस तोड़कर ऊपर जाता है, तो हमारी मार्केट जो है वो ट्रेंड रिवर्सल में आ जाता है, यानी हमारा ट्रेंड क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। पहले मार्केट क्या चल रही थी, डाउन चल रही थी, लेकिन इस वाले एरिया को यानी इस वाले नेक लाइन को तोड़ के प्राइस ऊपर गया, तो हमारा ट्रेंड क्या हो गया, रिवर्सल हो गया, यानी अप ट्रेंड हो गया। पहले डाउन ट्रेंड था, फिर अप ट्रेंड हो गया। तो ऐसे हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। गाइज ये जो चार्ट है वो स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग हर जगह वर्क करते हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न लगभग सब में एक जैसा ही बनता है। तो गाइज कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? अगर आपको ये वाकई में अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ग्रो विद आशीष को। मेरी जो प्लेलिस्ट है वो ट्रेडिंग सीखो के नाम से चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप वन बाय वन करके ट्रेडिंग सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर में ट्रेड को लेके एक अच्छा खासा नॉलेज और अच्छी खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलते हैं, विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज़।